हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए लेके आया एक और नया मजेदार वीडियो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। आज का टॉपिक है हमारे इंडिया के कुछ डाटा जो लीक हो जाते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डाटा की बात करें तो डाटा सुनते ही हमारे मन में आता है कि डाटा लीक, हैकिंग। तो अभी बात है हमारे पर्सनल डाटा आधार कार्ड के ऊपर। आधार कार्ड एक ऐसा चीज है जिसमें आपका फिंगरप्रिंट, आई स्कैन सब रखा होता है। अगर वो किसी का हाथ लग जाए तो समझ लीजिए कि आप खुद हैक हो चुके हो। सरकार UIDAI के लिए 20 हैकरों की तलाश कर रही है। दरअसल UIDAI हैकर की मदद से अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी सिस्टम की खामी के बारे में पता लगा रही है। इस सिस्टम में 20 करोड़ 32 लाख भारतीयों का आधार डाटा सुरक्षित रखा गया है। इसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और सरकार इसे बिग बाउंड प्रोग्राम के नाम दिए। हम आपको बता दें कि सरकार के द्वारा ऐसा करने का आदेश 13 जुलाई को दे दिया गया है, लेकिन सरकारी विभाग के तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि कोई UIDAI का पूर्व कर्मचारी इसमें भाग नहीं ले सकता है। अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो इसके दो मेन कंडीशन है कि पहला, आपके पास वैलिड आधार नंबर होना चाहिए और दूसरा, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। अगर आप एक हैकर हो तो आप जाके इसमें भाग ले सकते हो अपने देश के लिए। तो वीडियो अगर आज का आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।